जय सियाराम। सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव की कहानी सुनाऊंगी। ध्यान पूर्वक सुने। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को ना जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू और जन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति उड़ निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्घृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्व कहा जाता है वह एक रुद्र रूपी ही है। यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। फिर सामवेद ने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्र्यंबकम शिवजी ही हैं। अथर्ववेद ने कहा, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु जी ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिवा से रमन करने वाले दिगंबर पीतवर्ण धूलि धूसरित प्रेमनाथ कुवेटाधारी सर्वावेष्टित वृपनवाही निसंग शिवजी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाई उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा सत रुद्री का पाठ करते हुए शिवजी के शरण में आए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिवजी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिवजी शांत हुए और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके उपरांत शिवजी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षा वृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर ज्यों ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित ना होने का वरदान मांगा।
विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के वैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहा, तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी ज्यों ही काशी पहुंचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सौविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।